क्लास 12 का जो रिज़ल्ट अभी पब्लिश हुआ है, आप उसके बाद पीपीएस या पीपीआर के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आया है। अगर किसी कैंडिडेट का नंबर कम है, वो फेल हो गए हैं, तो वो अपने पेपर को स्क्रूटनी करवा सकते हैं, और जो पास हुए हैं वो चाहते हैं कि अपना पूरा पेपर फिर से रिव्यू करें, तो वो पीपीएस करवा सकते हैं। उसके लिए क्या चार्जेस है, क्या नोटिफिकेशन, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे पहुँचेंगे, तो आपको किसी भी ब्राउज़र पे टाइप करना है wbcHSE.NIC.IN। उसके बाद इस पेज में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन फॉर पीपीएस एंड पीपीआर न्यू बोल के उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होने का ऑप डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। फिर ये ओपन करेंगे, इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग बताया गया है, ये कब से स्टार्ट होगा और कितने रुपये चार्ज किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीपीएस का पूरा नाम होता है पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी, और इसके लिए पहले पीपीएस के इसके लिए ₹50 लिया जाएगा। सबसे पहले पीपीआर है, पीपीआर का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू, पूरा पेपर को रिव्यू किया जाता है उसमें A to Z। उसके लिए आपको ₹75 देना पड़ेगा, और पीपीएस मतलब होता है पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी, सिर्फ नंबर का काउंट डाउन ये सब चेक होता है। और आप देख सकते हैं कि ₹75 लगेगा पीपीआर के लिए पर सब्जेक्ट, और पीपीएस के लिए आपको लगेगा जिसको स्क्रूटनी बोलते हैं वो ₹50 लगेगा। और इसका लिंक जो है 31 जुलाई @midnight को एक्टिवेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यही नोटिस आया है, और जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको कैसे पीपीएस पीपीआर के लिए अप्लाई करना है, कब वेबसाइट एक्टिवेट हो रहा है, मैं उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा नोटिस पब्लिश मैं आपको दे दूंगा। और इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जिनका नंबर कम है या जो फेल हो गए हैं, तो वो जो कुछ मार्क्स से कम हो गए हैं, फेल हो गए हैं, वो पीपीएस करवाएं, और जो नंबर को बढ़वाना चाहते हैं, जिनका जो नंबर था उसके एक्सपेक्टेशन से कम आया है, वो पीपीआर में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो पीपीआर अप्लाई करें। ठीक है, जैसा आपको ज़रूरत वैसा अप्लाई करें। फिर और भी नोटिफिकेशन जब जैसे ही अपडेट आएगा मैं अपडेट करूँगा, और इसका लिंक, इस पीडीएफ का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।